हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ द द एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे फिट फाट होंगी आज मैं फिर एक मजेदार सी वीडियो आप लोगों के, के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ और ये वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव स्पेशली फॉर द बिगनर्स आज हम करने जा रहे हैं जी आई मेकअप लेकिन वो आई मेकअप एक ऐसा होने वाला है कि जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड मिलेगी बिगिनर्स के लिए मैं इसलिए अच्छा बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग जिनको आई मेकअप करना नहीं आता या जिनको आता और वो अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं आप लोग ये वीडियो देखेंगे और उम्मीद करती आप लोगों करते में इजाफा ही होगा आप लोग जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे ठीक है जी और इस वीडियो के अंदर एक और स्पेशल चीज है कि मैं आपको देने वाली हूँ एक कम्प्लीट गाइड अबाउट योर आई मेकअप ब्रशेस की आपको कौन कौन से आई मेकअप ब्रशेस मोस्टली हमारे ब्रशेस होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि कौन सा ब्रश किस चीज के लिए यूज होने वाला है और कौन सा ब्रश जो है वो कहाँ पर यूज होगा उससे कौन सी प्रोडक्ट अप्लाई करनी है और किस तरह से करनी है ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है ठीक है तो बातें कम करते हैं काम ज्यादा करते हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट अच्छा जी तो दीज आर द ब्रशेस जो कि हमें चाहिए होंगे फॉर आर आई मेकअप तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रश से एक ब्रश है जी ये वाला ये है जी ब्लेंडिंग ब्रश आप देख सकते हैं आप इसको पहले गौर से देख लें ठीक है दिस इज मीडियम साइज ब्लेंडिंग ब्रश इससे बड़ा भी होता है और इससे छोटा भी होता है ठीक है ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं। एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश होता है एक स्टेबल होता है जो थोड़ा सा थिन होता है और वो उसका सख्त होता है थोड़ा सा सख्त मीनस के इसके स्ट्रेंट सख्त नहीं होते हैं वो थोड़ा सा स्टिक होता, होता है स्टिफ होता है और एक होता है इससे बड़े साइज का उससे प्रोडक्ट ज़्यादा जो है वो ब्लेंड होती है तो आप लोगों ने मैं रेकमेंड यही करूँगी आप लोग ये मीडियम साइज़ का ब्रश यूज़ करें ताकि आपको ब्लेंडिंग करने के लिए ब्लेंडिंग uh, करते वक्त जो है वो आसानी हो ठीक है मैं आपको बड़े साइज़ वाला भी दिखा देती हूँ ये बड़े साइज का है और ये मीडियम साइज का है आप दोनों का जो है इसके वॉल्यूम के अंदर आप चेक कर सकते हैं दिस इज द ये वाला जो है ये बिग uh, साइज़ में और ये वाला जो है मीडियम साइज़ में है ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ नेक्स्ट ब्रश जो हमें चाहिए होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रश है वो है ये वाला ये आप देख सकते हैं ये फ्लैट है और ये थिक भी है यानी कि इसके अंदर प्रोडक्ट लग भी जाती है और इससे आप ब्लेंड भी कर सकते हैं इनिशली जब आपको यहाँ पर आइसा क्रिकेट पर प्रोडक्ट लगाते हैं तो आप इस फ्लैट ब्रश को यूज़ किया करें और इसे हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया करें और उसके बाद आप जो है अपना ब्लेंडिंग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लें और उसके साथ अपनी बाकी के प्रोडक्ट को यूज़ करें अब मैं जब प्रोडक्ट लगाऊंगी मैं फिर आपको तब भी साथ साथ गाइड कर दूंगी अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ नेक्स्ट ब्रश इज दिस वन इट्स अ कम्प्लीट फ्लैट एंड थिन ब्रश आप देख सकते हैं ये कितना थिन है और ये फ्लैट ब्रश है मैं दूसरे वाला भी दिखाती थी जो मैंने पहले दिखाया था ये है जी वो ब्रश ये फ्लैट था और थिक था ये फ्लैट है और थिन है आप दोनों की थिकनेस का अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है जी अच्छा तो इस वाले ब्रश का क्या फायदा होता है इससे आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अपनी आईलेड के ऊपर अपनी आई सॉकेट के ऊपर प्रोडक्ट लगा देते हैं और इस वाले ब्रश से क्या फायदा होता है आपके जो शिमर शेड्स होते हैं आपके जो ग्लिटर शेड्स होते हैं वो अच्छे तरीके से लग जाते हैं यानी कि मोस्टली ग्लीटर शेड्स होते हैं फ्लफी ब्रश से नहीं लगते क्योंकि वो तो फ्लफ होता है ना उसके अंदर फ्लफ होता है वो फैला होता है तो उसे नहीं लगता तो हमें एक स्टिक किस्म का एक फ्लैट ब्रश चाहिए होता है ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो आराम आराम से डैप टैप करके आपने प्रोडक्ट लेनी है और उसको यूं यूं करना है और आपने अपने ग्लिटर्स और अपने शिमर्स को जो है वो लगा लेना है सो दिस प्रोडक्ट उसके लिए यूज होता है ये वाला ब्रश और ये वाला ब्रश जो है वो प्रोडक्ट को आपकी कंप्लीट जो मैट शेडोज होते हैं उसके लिए यूज़ होता है ठीक है अब चलते हैं हम नेक्स्ट ब्रश की तरफ नेक्स्ट ब्रश इज़ दिस वन दिस इज़ एन एंगुलर ब्रश ठीक है ये आप देख सकते हैं ए एंगुलर ब्रश है वो दो से तीन यानी डिफरेंट मल्टीपर्पज जो है इसको आप एज ए यूज कर सकते हैं ये आपकी आईब्रोज के लिए भी यूज हो सकता है ये आपकी जो आंख का नीचे वाला पार्ट है जिसको लोअर लैश लाइन बोलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट को बहुत ही प्रिसाइजली लगाने के लिए भी यूज हो सकता है और ये आपके आई को अप्लाई करने के लिए भी यूज हो सकता है लेकिन इससे आपको आई लगाने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है अच्छा जी चीज तो नेक्स्ट ब्रश इज दिस वन मोस्टली लोगों के पास सेट्स अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को पता नहीं लगता कि हमने इस ब्रश का क्या करना है सो दिस ब्रश इज यूज फॉर स्मजिंग योर आई एंड योर आई लाइक आपको अगर स्मोकी आई बनानी है अपनी यहाँ पर थोड़ा सा स्मोक एड करना है तो आप इस ब्रश से जो है ईजिली स्मज आउट कर सकते हैं अपने आई लाइनर को अपने आई शेडो को जिसको भी आप करना चाहें तो ये क्योंकि बहुत ही थिक होता है आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम बहुत थिक है इसके अंदर काफ़ी थिक ब्रशेज़ हैं ठीक है तो ये प्रोडक्ट को बहुत आराम से जो है वो स्मज आउट कर देता है अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ नेक्स्ट ब्रश इज़ अ स्मॉलर ब्रश बहुत ही छोटू सा ये ब्रश है ये ब्रश किस लिए यूज़ होता है ये ब्रश इसके दो पर्पज हैं एक पर्पज है आपकी लोअ लैश में प्रोडक्ट लगाने के लिए लोअ लौ, लैस लाइन के ऊपर जो है प्रोडक्ट अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं कभी कभी आपको नीचे प्रोडक्ट लगानी होती है लेकिन आप उसको स्मज नहीं करना चाहते हैं आप उसको ब्लेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बारीक सी प्रिसाइज सी लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और ये जो है आपके इनर कॉर्नर्स के हाईलाइट करने के लिए और उसको जो है ग्लीटर को मोस्टली होता है हम ब्रश मोटे ब्रश से जो है और फिंगर्स के साथ अगर आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली exactly सही नहीं बैठ रहे होते तो हमें इस तरह का एक छोटा सा ब्रश चाहिए होता है प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अपनी आईज के इनर कॉर्नर्स तक पहुँचाने के लिए ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ दिस ब्रश दिस ब्रश ब्रश इज़ ऑल्सो एन स्मॉलर ब्रश ये भी एक छोटा सा ब्रश है लेकिन इसको जो है आप एज ए आई लाइनर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्मोकी आई को जो है वो ब्लेंडिंग करने के लिए भी आप इस इस ब्रश को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ दिस इज द लास्ट ब्रश आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं दिस इज द ब्रश दिस इज आप देख सकते हैं ये बाकी ब्रशज के निष्बत की काफ़ी थिक और मोटा ब्रश है ठीक है ये ब्रश जो है आपके कंसीलर के लिए यूज़ होता है आपकी आईज़ को प्राइम करने के लिए आपके आईज़ के ऊपर जो कंसीलर है उसको लगाने के लिए ये ब्रश यूज़ हो सकता है अगर आप लोग के पास ये ब्रश नहीं है तो इतनी कोई बड़ा मसला नहीं है आप लोग अपनी फिंगर्स के साथ उस प्रोडक्ट को अप्लाई करें और उसको ब्लेंड आउट कर लें लेकिन इफ़ यू हैव दिस ब्रश दैन इट्स गुड आपके पास अब जी मैं आपको बताती हूँ मेरे पास कितने ब्रशेज़ हो गए जो हमें लाजमी चाहिए सबसे पहला ब्रश हमें ब्लेंडिंग ब्रश ये हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट ब्रश हैं जो आपने लाजमी लेने हैं नंबर वन इज ब्लेंडिंग ब्रश ठीक है नंबर टू इज़ अ फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश यानी कि फ्लैट भी हो और थोड़ा सा वो थिक भी हो ताकि आपका ग्लिटर वाला शिमर वाला काम भी हो जाए और ब्लेंडिंग वाला काम भी हो जाए ठीक है और अगर आप इसे थोड़ा सा थिन लेते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था ये वाला तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी इसका और इन दोनों का बीच में कुछ लें यानी कि इतना मोटा भी ना हो और इतना पतला भी ना हो कोई दरम्यान वाला हो जैसे आपकी प्रोडक्ट ग्लिटर शिमर्स वाला काम भी हो जाए और आपका जो है वो आ, आई शेडोज वाला काम भी हो जाए जो आपके मैट आई शेडोज हैं ठीक है अब हमारे पास कितने हो गए दो ब्रश हो गए सबसे पहले हमें चाहिए ब्लैंडिंग ब्रश देन अ फ्लैट एंड थिक ब्रश फिर उसके बाद हमें एक एंगुलर ब्रश चाहिए फॉर हमारी आई एंड अ स्माल ब्रश विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें इसकी जरूरत हर हाल में पड़ती ही पड़ती है तो ये चार बेसिक ब्रशेज आप लोग लाजमी ले लें उसके अलावा आप लोगों की चॉइस है आप लोग आई लाइनर ब्रश कौन सा यूज करते हैं आप लोग ये वाला फ्लैट ब्रश लेते हैं या नहीं लेते हैं और आप लोग जो है ये वाला कंसीलर ब्रश भी लेते हैं या नहीं लेते अपार्ट विद प्रंग माई आईज फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग मिस रोज़ का कंसीलर इन शेड फेयर तो कंसीलर जो है वो आइज़ के ऊपर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो इसलिए क्योंकि जो आपकी रेडनेस होती है ना वो कंसीलर से कैंसिल आउट हो जाती है और सिर्फ कंसीलर से आपकी रेडनेस कैंसल आउट नहीं होती है उससे जो भी आप आई अपना अप्लाई करते हैं अपनी आइज़ के ऊपर वो कलर बहुत अच्छे से जो है वो निकल कर आता है तो आप देख सकते हैं कि मेरी आईज की जो रेडनेस है वो कितनी इजीली जो है वो कैंसल आउट हो गई है ठीक है अब आफ्टर अप्लाइंग माई कंसीलर मुझे जो है अपनी आईज को जो है वो सेट करना है तो मैं सेट करने के लिए जो है वो सेटिंग पाउडर यूज़ करूँगी कोई भी किस्म का जो है आप सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं मैं अपनी आई शेडो पैलेट के अंदर ही जो सेटिंग पाउडर का जो कलर होता है बिल्कुल वाइट सा पेल सा येलो सा ऑफ वाइट सा उससे जो है मैं अपनी आईज़ को सेट कर रही हूँ सेट करने से क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना कंसीलर के ऊपर चिपक नहीं जाती है सेट करने से आपका जो कंसीलर है जो आपने अपनी आईज के ऊपर अप्लाई किया है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाता है लॉक हो जाता है तो आपका कंसीलर भी कहीं नहीं जाता और फिर जब आप उसके ऊपर प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है चिपक चिपकी चिपकी नहीं रहती है पैची पैची फील नहीं होती है बहुत अच्छी सी ब्लेंडेबल लुक जो है वो आती है अब मैं चलती हूँ अगले स्टेप की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग डायरेक्ट कलर्स को जो है वो अपने आईज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें हमेशा एक लाइटर कलर से स्टार्ट करना चाहिए उस कलर को बोलते हैं ट्रांजिशन शेड अब मैं इससे पहले आई मेकअप स्टार्ट करूँ मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ कि आपने कौन सा कलर कहाँ पर अप्लाई करना है और किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है ठीक है अब मैं बताती हूँ आपको जो ये पार्ट होता है ना जो ये लाइन होती है जैसे मैं ये खोल रहा हूँ जो आपको ये नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं आई सॉकेट लाइन ठीक है जो ये पार्ट होता है ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला जो इस तरह से बनता है इसको बोलते हैं आउटर वी ठीक है और जो ये होता है ये वाला इसको बोलते हैं इनर वी जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्राउ बोन जो ये वाली लाइन होती है जो आपकी आई लैश के साथ कनेक्ट होती है इसको बोलते हैं आउटर लैश लाइन और इसको बोलते हैं लोअर लैश लाइन और जो आपकी आंख की जो ये वाली लाइन होती है जहां पर आप लोग मोस्टली काजल लगाते हैं इसको बोलते हैं वाटर लाइन ठीक है जी तो ये कुछ आपके पार्ट्स हैं और एक और चीज़ जो इसको इनर भी बोल दिया इसको आउटर भी बोल हैं तो ये जो दरमियान वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आईलेड तो कुछ ये पार्ट्स होते हैं आपकी आंख के जहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अप्लाई करके अपना आई मेकअप कंप्लीट करना होता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंडिंग से ब्लेंडिंग अब हमने किस तरह से करनी है बहुत ही मैं उसका आपको तरीका बताती हूँ लेकिन ब्लेंडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कौन सा कलर जो है वो यूज़ करना है वो है एक ट्रांजिशन शेड ट्रांजिशन शेड आप अपनी आई शेडो पैलेट के अंदर जो भी आपने अपने अपनी जो है दिमाग में थीम सोच हुई है फॉर एग्जाम्पल आपने पिंक मेकअप करना है या अपने ब्राउन मेकअप करना है तो उस टोन्स के अंदर आपने सबसे लाइटर कलर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना ठीक है बाई टेक बाय टेकिंग योर बाई यूजिंग योर फ्लफी ब्रश मैं ये बोला जो मेरा फ्लफी ब्रश है जो मैंने आपको बताया था मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसकी मदद से मैं एक ट्रांजिशन शेड जो है वो लूँगी सबसे लाइटर शेड और उसको जो है मैं अपनी आई सॉकेट के ऊपर क्रीज लाइन के ऊपर जो है वो अप्लाई करूँगी इस तरह से ठीक है और सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन के अंदर आपने प्रोडक्ट को जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट करना इस तरह से फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना है पहले यहाँ पर अप्लाई करना है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको आगे, आगे लेके जाते जाना है इस तरह से और जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे ना उतना अच्छा ही आपका आई मेकअप जो है वो लगेगा आप उस प्रोडक्ट को वहाँ पर वैसे ही छोड़ देंगे ना तो वो बहुत ही ऐसा लगेगा कि आई शेड्स मिक्स नहीं हुए हुए हैं ब्लेंड आउट नहीं हुए तो हुए हैं तो वैसा लगेगा जैसे लाइंस ड्रॉ की हुई हैं और उसको वैसे ही छोड़ दिया तो so, अच्छी ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग करेंगे ना उतना ही आपका आई मेकअप जो है वो अच्छा लगेगा अब आप देख सकते हैं कि मैं ब्लेंडिंग की है यहाँ से डार्कर शेड स्टार्ट हो रहा है स्लो 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 यहाँ तक लाइट जाता जा रहा है आपने पूरी आँख को भर नहीं लेना है ठीक है अब ट्रांजिशन शेड जब अच्छे से अप्लाई हो जाता है तो फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ सो so, नेक्स्ट स्टेप इज मतलब अगला शेड जो है वो उससे एक पॉइंट डार्कर होना चाहिए आपके इस शेड से जो है वो डार्कर होना चाहिए अब मैं थोड़ा सा डार्कर शेड ले रही हूँ और उसको जो है मैं क्रीज लाइन पर जहाँ पे हमने वो ट्रांशन शेड ऐड किया था उससे वहाँ पर अप्लाई करके उसको नीचे की तरफ को ब्लेंड करूँगी ऊपर की तरफ से लाइट कलर चला गया उसको जो है मैं नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी इस तरह से और जितना मैं फिर वही बात करूँगी जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा देखिए इस तरह से आपने अपने जो है वो कलर को जो है वो ब्लेंड करते जाना है जितना ज़्यादा ब्लेंड होगा उतना ही ज़्यादा आपका मेकअप जो है वो अच्छा लगेगा अब आपने थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा डार्कर कलर लेना है और उसको आपने जो है वो अपनी आउटर वी के ऊपर जो है इस तरह से वी आपने प्रॉपर बना के ड्रॉ करना है और उसको आपने ब्लेंड आउट करते जाना है जब ये ब्लेंड हो जाएगा फिर आपने जो है फ्लैट ब्रश लेना है ये वाला उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोडक्ट को लगाना है जो कलर आप यूज कर रहे थे डार्क सबसे डार्क वाला उसको लेके आपने अपनी पूरी आईलेड के ऊपर जो है वो कलर को स्प्रेड कर देना है इस तरह से जब उसको स्प्रेड कर देंगे तो फिर से आपने अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उसको ब्लेंड करना है अब आप देख सकते हैं कि यहां से कलर डार्कर स्टार्ट हो रहा है आता आता ऊपर जाते जाते जो है वो लाइट होता जा रहा है अब हमने क्या करना है हमने अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए एक शिमरी शेड लेना है बाय यूजिंग आर फ्लैट ब्रश किए वाले ब्रश की मदद से जो है मैं अपना शिमर शेड लूँगी और उसको जो है अपनी इनर कॉर्नर को इनर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई करूँगी इस तरह से थोड़े थोड़े प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है कभी भी डायरेक्टली आपने ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है ठीक है थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते जाएं और उसको हाईलाइट करते जाएं अब आप देख सकते हैं कि मेरी आई का इनर पार्ट जो है वो कितने अच्छे तरीके से हाईलाइट हो गया है वो ग्लो ग्लोई ग्लोई उसके अंदर जो है वो फिनिश आ रही है अब जब आप अपना ग्लिटर शेड अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे तो आपने अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उस ब्लेंडिंग ब्रश से जो आपका ग्लिटर पार्ट था शिमर वाला उसको आपने अपने मैट पार्ट के साथ जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर देना है सर्कुलर मोशन के अंदर इस तरह से कुछ ताकि कोई भी हार्श लाइंस नजर ना आए ऐसा लगे कि ये एक ही पार्ट है अच्छे तरीके से मेकअप आपका ब्लेंड हुआ हुआ नजर आए ठीक है जी अब मैं यही टेक्निक अपनी दूसरी आई पे अप्लाई करती हूँ और आप देखें सबसे पहले हमने वही अपना ट्रांजिशन शेड लिया है लाइट वाला और उसको हम अपनी क्रीज लाइन पे सॉकेट आई सॉकेट लाइन के ऊपर जब अप्लाई करें अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि कहीं पे भी प्रोडक्ट चिपकी हुई नज़र ना आए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डार्कर शेड लेंगे और क्रीज लाइन को नीचे की तरफ को ब्लेंड करेंगे ताकि एक डेप्थ सी क्रिएट हो जाए जिनकी आइज़ छोटी होती है उनके लिए टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आपने अपनी जो आइज़ हैं उनको किस तरह से जो है वो बड़ा शो करना है अब हमने सबसे लास्ट वाला डार्कर कलर लिया है और उसको अपनी आउटर वी के ऊपर जो है वो अप्लाई करें इस तरह से अब हम अपना वही फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे और सारी प्रोडक्ट जो है वही वाला कलर लेके सारी प्रोडक्ट को जो है वो अपनी कंप्लीट आईलेट के ऊपर जो है वो लगा देंगे और फिर उसको जो है अच्छे तरीके से आपके ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड आउट कर देंगे इस तरह से अब फिर से हमें वही ग्लिटर कलर लेना है बाय यूजिंग योर फ्लैट ब्रश और उसको जो है हम अपनी इनर कॉर्नर को शिमर शेड अप्लाई कर देंगे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है मैं बार बार कह रही हूँ आपने डायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो नहीं अप्लाई करना हमेशा थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स स... जो है वो स्टार्ट करना है और उसको बिल्डअप करते जाना है अब जब हमारा शिमर शेड जो है वो अच्छे तरीके से लग गया है तो उसको हम अपने ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से हमारे मैट शेड के अंदर जो है वो ब्लेंड आउट कर देंगे अब आप देख सकते हैं दोनों आईज़ का जो है आई मेकअप एक जैसा हो अब बारी आती है जी नेक्स्ट स्टेप की वो है जी आपकी लोअर लैश लाइन लोअर लैश लाइन को जो है हमने जो कलर हमने यूज़ किया था सेकंड नंबर पे जो हमने अपनी आई सॉकेट को डेप्थ देने के लिए यूज़ किया था हम उसी कलर को यूज़ करेंगे और उसके लिए हम कौन सा जो है वो ब्रश यूज़ करने वाले हैं उसके लिए हम ब्रश यूज़ करेंगे ये वाला जो फ्लैट और थिक ब्रश था उसकी मदद मतलब से हम वो वाली प्रोडक्ट जो है वो कलर लेकर उसको पहले अपनी कॉर्नर के ऊपर लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड्स के इस तरह से ठीक है हाफ आई के ऊपर जो है आपने अप्लाई करना है और फिर ये वाले ब्रश की मदद से जो मैंने आपको बताया था उससे आपने अपनी आई मेकअप को जो है डॉयर ड्रैश लाइन पे स्मज कर लेना है अब बारी आती है जी आपके ब्राउ बोन की ब्राउ बोन का आपने क्या करना होता है ब्राउ बोन को आपने हाईलाइट करना होता है ताकि आपकी आंख जो है वो थोड़ी सी वॉल्यूम फुल मतलब वॉल्यूम वाली लगे तो हमने यही वाला अपना फ्लैट ब्रश यूज़ करना जो हमने शिमर शेड्स के लिए यूज़ किया था सो उसी ब्रश की मदद से जो है हम अपने ब्राउ बोन को जो है वो हाईलाइट करेंगे इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि शिमर शेड कोई भी ग्लिटर यूज़ कर लें शिमर यूज़ कर लें हाई यूज़ कर सकते हैं आप अब देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है वो लग गया अब यही टेक्निक जो है हम अपनी दूसरी ब्राउ बोन के ऊपर अप्लाई करेंगे इस तरह से हमने पूरी आंख को यहाँ पर कलर नहीं देना होता है हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है और इस एंड तक जो है वो प्रोडक्ट को अप्लाई करना होता है और उसको अच्छे तरीके से जो है अपनी फिंगर की मदद से या अपनी ब्रश से जो है वो ब्लेंड आउट करते हैं ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप इज योर इनर कॉर्नर इनर कॉर्नर को हमने हाईलाइट करना है और उसके लिए हमें सबसे छोटू वाला ब्रश जो है वो चाहिए होगा सो उसके लिए आपको ग्लीटर जो शिमर शेडोज है वो नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको जो है हाइलाइटर चाहिए होगा एक बहुत ही जो पॉप करके आपकी जो है वो अपनी आपकी इनर कॉर्नर को जो है हाई कर दे आपने मैंने एक हाइलाइटर शेड लिया है और उसको जो है मैं अपनी इनर कॉर्नर को उसकी मदद मतलब से जो है कर रही हूँ ना यू कैन क्लियरली सी के ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसने मेरी आँख को जो है वो एक इनर साइड से भी जो है एक वॉल्यूम सा प्रोवाइड कर है। कलर कौन सा चूज करना है ये आपका आई मेकअप डिसाइड करेगा और आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा जो शिमर शेड है वो यूज़ करना है नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप इज आईलाइनर। आईलाइनर का जो ट्यूटोरियल है वो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ वो आप लोग जाके देख सकते हैं मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप लोग वो जाके देख लीजिएगा अब अगली बारी आती है आई की तो आई लाइनर हम अपनी जो है आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है आपने आईलाइनर जो है वो अपनी आंख की शेप के मुताबिक लगाना है इस तरह से लगाना है कि अगर आपकी आंख छोटी है तो आइलैंड को ऐसा होना चाहिए कि आपकी आंख को आंख बड़ी लगे ना ना कि आपकी आंख जो है वो और छोटी लगने लग जाए और आईलैंड ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपकी आंख की खूबसूरती जो है वो एनहेंस हो ना कि आपकी आंख जो है वो छुप जाए या उसकी जो खूबसूरती है वो कम पड़ जाए तो फटाफट से मैंने जो है आई लाइनर लगा लिया है ऑलमोस्ट बस मैं उसकी फिलिंग करके उसको कंप्लीट करती अच्छा जी तो आईलाइनर जो है वो लग गया है अब बारी आती है मस्कारा की मस्कारा जो है आपने अच्छे तरीके से अपनी आई को लगाना इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनी आई देन आप अपनी आई को जो है वो वन कोट ऑफ मस्कारा जो है वो अप्लाई करें और अगर आपको जो है आई नहीं अप्लाई करनी है जैसे मैं भी आई नहीं अप्लाई करूँगी मैं सिर्फ मस्कारा जो है वो यूज़ करूँगी तो मैं जो हूँ अपनी आईज़ को दो से तीन कोट्स जो हैं वो मस्कारे के लगाऊँगी और मस्कारा लगा रही हूँ और कहीं और ना लगे ऐसा तो हो नहीं सकता तो बी केयरफुल फॉर देट सबसे गलती होती हैं यार सब इंसान है कोई परफेक्ट नहीं होता तो जी मस्कारा जो है मैंने अपनी एक आई के ऊपर लगा लिया है टाइम फॉर द सेकेंड आई जब मस्कारा अगर आपका कहीं पे आंख पे लग जाता है उसके लिए टिप दे रही हूँ जिनका मस्कारा आई के ऊपर लग जाता है गलती से या कहीं पर भी लग जाता है तो आप उसका ड्राई होने का वेट करें और उसके बाद अपना ईयरबड लेकर एक उससे आप ईज़िली जो है अपना मस्कारा जो है उसको साफ़ कर सकते हैं क्योंकि ऐसे फिर आपका बाकी मेकअप जब मस्कारा फैल जाता है तो फिर बाकी का मेकअप जो है वो ख़राब हो जाता है तो जी मैंने मस्कारा जो है वो लगा लिया है मैं अपनी लोअर लैशेस को मस्कारा नहीं लगाऊंगी मैंने सिर्फ अपनी अपर लैशेस को मस्कारा लगाया है सो so, आप, आप देख सकते हैं ये मेरा आई मेकअप किस तरह का लग रहा है सो गाइज दैट वॉज द कंप्लीट गाइड अबाउट योर आई मेकअप एंड योर आई मेकअप ब्रशेज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल रही होगी अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर जाकर हेल्प आउट किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में अपनी फैमिलीज में अपने सर्कल में जो है शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें बहुत सारे लोग हैं मेरे चैनल पर आते हैं मेरी वीडियोज़ देखते हैं और चल जाते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाकर अभी नीचे जाएँ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी जो है प्रेस कर दें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और एक और बात जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी करना है इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ पर डाल दूंगी ठीक है जी अल्लाह हाफिज